अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दावतों वाला चिकन कोरमा। यहाँ पर हमने एक पोट ले लिया है, उसमें एक कप भरकर ऑयल डालेंगे। जब तेल गरम होने लगे तो हम उसमें दो तेज पत्ते डाल देंगे, तीन चार हरी इलायची जाएगी इसमें। दो तीन टुकड़े दालचीनी के जाएंगे इसमें। और 7 से 8 काली मिर्च जाएगी। जब मसाला तड़कने लगे तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। 1 kg के करीब चिकन लिया है मैंने, बोन्स वाला लिया है। और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। 5 मिनट अच्छे से हमने भुनाई की है इसकी, इसका कलर चेंज होने लगे। तब तक हमने इसको भूनते रहना है, बस इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें 2 चम्मच भरकर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसके साथ भी हम उसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे हाई फ्लेम पे। अब 1 चम्मच भरकर जिंजर पेस्ट डालेंगे उसमें और उसके साथ भी हम उसको अच्छे से भुनाई करेंगे। कोरमे की यही खासियत रहती है कि उसकी अच्छे से भुनाई करनी ज़रूरी है। 5-10 मिनट हो गए हमने भुनाई करते करते। अब कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच भरकर लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर जीरा पाउडर जाएगा इसमें भुना हुआ, और 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, हसबे जाएगा। सारे मसाले डाल देंगे हम इसमें और अच्छे से भुनेंगे। 2 चम्मच भरकर गाढ़ा दही डाल देंगे और उसके साथ भी लगातार भूनते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है और तेल भी ऊपर आने लग गया है। अब 1 चम्मच भरकर गरम मसाला डालेंगे और बस इसी तरह से अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब 1 कप भरकर दही डालेंगे फेटा हुआ और ये 1 कप भरकर काजू का पेस्ट है, जिसको मैंने काजू को रात को मैंने भिगा दिया था और सुबह में उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था, वो 1 कप भरकर जाएगा। और बस उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 2 चम्मच भरकर कोकोनट पाउडर डालेंगे। कोकोनट पाउडर जो आता है रेडीमेड, वही वाला है। 2 चम्मच भरकर डाल देंगे और उसको 15 मिनट के लिए इस तरह से ढककर पकने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। देखिए कितना शानदार सा और खूबसूरत सा हमारा कोरमा तैयार हुआ है। अब इसमें हम तली हुई प्याज का बिरस्ता डालेंगे क्रश करके। ये 5-6 तली हुई प्याज का बिरस्ता है, उसको मैंने पहले से रेडी कर लिया था, उसको डाल देना है। उससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब इलायची पाउडर है, 1/2 चम्मच के करीब जावित्री पाउडर है और 1/2 चम्मच के करीब बारीक पिसा हुआ लौंग है। 4 लौंग लिए थे, उसको मैंने बारीक सा पीस लिया था। तीनों चीज़ों को इसमें डाल देना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने जायफल का एक टुकड़ा लिया है, उसको इस तरह से क्रश करके डाल देना है। अगर आप उसका पाउडर भी डालना चाहते हैं
तो डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रेश अगर डालो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही शानदार ये तैयार होता है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे जिससे हमारे कोरमे की शान और भी बढ़ जाएगी। बस 5 मिनट और ढक के पकने देना है, बस इसके बाद हम डिश आउट करेंगे। तैयार है हमारा शानदार सा शादियों वाला शाही कोरमा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।